all, a warm welcome to Glimpse Vision USA. Thank you so much for having me. And congratulations for this beautiful show. Thanks. My first question to you is, तो you know काफी समय हो गया है आपको इस industry में काम करते हुए. Whenever you, now you choose a show, has the approach been same or has it been you know evolved? क्योंकि I'm sure आपको बहुत सारे shows offer होते ही होंगे. तो उसमें से जब कुछ भी choose करती है, thoughts क्या रहते हैं उसके पीछे? मैं सच बताऊँ क्या, जब मुझे शोज़ भी ऑफ़र होते हैं ना, तो मुझे ऐसे डिफ़िकल्ट रोल्स ऑफ़र होते हैं जहाँ पे यू नो मी एज एन एक्टर मुझे बहुत चैलेंजिंग भी लगता है और मुझे अच्छा भी लगता है कि जब बहुत पावरफुल या बहुत चैलेंजिंग रोल हो या बहुत डिफ़िकल्ट इमोशनली बहुत डिफ़िकल्ट रोल हो तो वो मुझ तक आता ही है. एंड जो अच्छे होते वो मैं चूज़ कर लेती हूँ. यू नो जब भी आप एक ऐसे शो से रिलेट करते हैं, जैसे कैरेक्टर प्ले करते हो जहाँ पे रियल लोकेशंस में जाके शूट करते हैं, हमने ऐसे एक्टर से सुना है कि समथिंग यू नो वो टच हो जाता है. तो जब आप यहाँ गए सोनाकाची, आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट, इस सिटी में गए एंड व्हेन यू शॉट देम, आप क्या कुछ फील किया आपने एज एन इंडिविजुअल? टू बी ऑनेस्ट, इट इज़ नॉट ईजी शूटिंग इन सोनाकाची. हम वहाँ उस जगह पर तो नहीं जा पाए, लेकिन वहाँ की दुनिया समझने और सुनने के बाद, क्योंकि मैंने खुद जाकर नहीं देखा, मैंने खुद डिसाइड किया कि मैं वो नहीं देखूँगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैं इतनी एम्पथेटिक, बिकॉज मी एज अ पर्सन आई एम वेरी इमोशनल एंड आई गेट वेरी इमोशनली अटैच. तो मैं नहीं चाहती थी कि कहीं ना कहीं वो मेरे मेरे साथ रही वो चीज़, क्योंकि इमोशनली इट इज़ वेरी डिस्ट्रॉइंग टू सी दैट लाइफ वेयर लोग इतने दबाव में, इतने प्रेशर में रह रहे हैं. मैंने अब तक जितनी भी कहानियाँ सुनी हैं, 90% औरतें वहाँ पर यही बोलती हैं कि हमको यहाँ से बाहर निकलना है एंड दे कांट कम आउट ऑफ इट. सो फॉर मी इट वॉज वेरी पेनफुल टू इवन हियर इट. और मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं वो जाके देखूँगी तो आई थिंक हाफ ऑफ माई हार्ट विल डाई ओवर देयर. इसलिए आई चोज नॉट टू गो ओवर देयर. बट दैट हाफ डाइंग इज हाफ डाइंग विद प्रतिमा, बिकॉज शी इज ऑल्सो इमोशनली वेरी चैलेंजिंग फॉर मी. अब तक जितने भी सीन्स किए हैं, एनी पर्टिकुलर सीन व्हिच यू रियली फील वेरी सैटिस्फाइड एज एन एक्टर जो इस शो में? आई डोंट नो, आई कांट से दैट बिकॉज एज एन एक्टर आई एम नेवर सैटिस्फाइड. नो बट द मेकर्स वुड हैव सेड, समवन वुड हैव कॉल्ड मी. People do appreciate all of what I do, but the thing is that sometimes, you know, whenever I see myself, I think that इसको थोड़ा अलग और करती तो और अच्छा लगता मुझे. But there are some scenes which people have said, they came to me and they said, who have watched the first episode, they said that we cried when you cried, and that is satisfying for me to hear that. बट मैंने अभी तक देखा नहीं है, तो आई एम ऑल्सो वेटिंग फॉर 10th of July टू जस्ट सिट एंड वॉच दैट वॉट इज़ हैपनिंग. बट आई एम डैम श्योर जब भी मैं देखूंगी ना, मैं बोलेंगी अरे ये ठीक नहीं किया मैंने, अरे वो ठीक नहीं किया. हार्ड वर्क एंड गुड वर्क. आई मीन गुड वर्क मतलब हार्ड वर्क मतलब आप मेहनत करने की आपकी तैयारी होनी चाहिए, कि आपको जो मेहनत करनी पड़े आप वो पूरा 100% क्या 200% देने के लिए रेडी रहो. एंड प्लस इफ यू आर टैलेंटेड एंड इफ यू डू अ गुड जॉब, आई थिंक देर इज़ नो स्टॉपिंग, देर इज़ नॉट इवन अ कॉमा. फिर वो आपके ऊपर है आपको ब्रेक लेना है या नहीं लेना है, बट वर्क कीप्स कमिंग इन. आई थिंक दिस इज़ द ओनली मंत्रा दैट आपको अगर 100% देना है तो आप वहाँ पर 200% दो. एंड वेर एवर यू कैन शोकेस योर टैलेंट जस्ट आउट एंड अबाउट, जस्ट गिव इट ऑल. आई थिंक Kamya is again one person जो अपने acting skills के लिए जाने जाती है, especially for the you know negative side. Okay, how is the camaraderie off screen and as an actor, how is the dynamic? हाँ, एज एन एक्टर आई थिंक वी टू बॉन्ड रियली वेल, बिकॉज हमारे मोस्टली सीन्स साथ में होते हैं. तो एज एन एक्टर यू नो आई एम वेरी फोकस दैट वॉट आई हैव टू डू एंड वॉट आई डोंट हैव टू डू. तो मैं ना राइट ना लेफ्ट देखती हूँ, कुछ नहीं देखती हूँ, चाहे वो मेरे सामने कोई भी हो. एंड आई थिंक आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ टू से दैट आई एम सो फोकस्ड एट वॉट आई हैव टू डू,
दैट आई रियली डोंट केयर हु इज इन फ्रंट ऑफ मी, चाहे वो छोटी बच्ची हो, चाहे वो बड़ी हो कोई, या चाहे वो कोई भी हो, कोई भी को एक्टर हो, आई हैव टू डू माई सीन परफेक्टली, आई हैव टू फोकस ऑन माई वर्क. एंड आई थिंक दैट इज द सेम विद द अदर एक्टर्स ओवर हियर, सारे ही बहुत फोकस्ड है एंड इट शोज ऑन स्क्रीन. यस, फैंस को जाते जाते बहुत सारे अपने कैरेक्टर्स किए हैं, एक ऐसा कैरेक्टर जो आप चाहते कि यू नो टिल द टाइम यू वर्क वो एक कैरेक्टर जरूर आप करें अपने करियर, व्हाट वुड बी दैट? आई थिंक इट मस्ट बी मे बी अ पुलिस ऑफिसर, बिकॉज आई हैव नॉट एक्सप्लोर्ड दैट एरिया ऑफ यू नो एक्टिंग, सो यस मे बी अ पुलिस ऑफिसर. ऑन दिस नोट थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट. थैंक यू सो मच, इट वॉज लवली टॉकिंग टू यू. थैंक यू सो मच.